पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर विपक्ष ने बड़ा दांव चला और 2024 की जंग में हिंदुत्व की काट के लिए सामाजिक न्याय की हुंकार भरनी शुरू कर दी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नया नारा गढ़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्राण है। राहुल के इसी नारे पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर की रैली में उन्होंने गरीबों को देश की सबसे बड़ी आबादी बताकर जात पात के दावों का जवाब देने की कोशिश की और दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के केंद्र में देश का ये सबसे बड़ा वर्ग है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक वाले बयान को भी याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस बयान दे रही है कि पहला हक किसका होगा ये आबादी तय करेगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस सबसे बड़ी आबादी यानी हिंदुओं को सारे हक देगी और अगर दिए तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा? क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई, किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं और गरीबों को बांटना चाहती है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के हिंदुओं और गरीबों को बांटने वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की और आरोप लगाया कि पीएम जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही अगला चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी। जातिगत मतगणना का विरोध कर रहे हैं, बात साफ हो गई ना? अभी तक तो चोरी छिपे चल रहा था, अब खुल के आ गए वो, तो आइए आने वाले चुनाव इसी मुद्दे पर हो जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी का ये विचार है कि नहीं होना चाहिए, संसाधन गरीबों को नहीं जाना चाहिए, पिछड़ों को नहीं जाना चाहिए, दलितों को नहीं जाना चाहिए, तो हिम्मत है मोदी जी खड़े होकर कहें हम तो उसके पक्ष में हैं जातिगत जनगणना। वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बटोरने का आरोप लगाया। उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला के भावना को भड़का के वोट लिया जाए। हालांकि बीजेपी ने बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि लालू नीतीश के राज में बिहार और पीछे जा रहा है। अचानक आपकी नींद खुली जब चुनाव आ रहा था तो आपने कहा कि अब अच्छी नीति बनाएंगे, तो सरकार में रह करके अभी तक आपको दलितों के लिए एक ऐसा राज्य है जहां दलित को आपने महादलित बना दिया नीतीश जी,
आपने पिछड़ा को महा पिछड़ा अति पिछड़ा बना दिया। तो एक ऐसा राज्य है, पूरा देश आगे चलता है, बिहार पीछे चलता है, जहां दलित को आप महादलित बना देते हैं, पिछड़ा को महा अति पिछड़ा बना देते हैं, तो अब पूरे राज्य को आप कहां लेके जाइएगा। इस बीच कांग्रेस में भी जितनी आबादी उतना हक वाले नारे के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। दरअसल बीजेपी की चुनाव दर चुनाव जीत में उन कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा हाथ है, जिसका फायदा हर जाति धर्म के गरीबों को हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सबसे बड़ी आबादी बताकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या विपक्ष का तीर निशाने पर लगेगा और महज जाति जनगणना करवा देने से ये बड़ा लाभार्थी वर्ग पाला बदल लेगा, या पीएम मोदी की गरीब और पिछड़ा हितैषी छवि विपक्ष की कवायद पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।